गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद सईद। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे एपिसोड 222 का भाई पहला पार्ट। पिछले पार्ट में आपने देखा भाई कि लास्ट पर अब तो अर्जुन भी सामने आ गया, अभिमन्यु भी वही खड़ा है, कृष्णा जी भी देख रहे हैं। करते हैं वीडियो स्टार्ट और आगे अब भाई देखते हैं। कृष्णा जी नहीं रुकने वाले, जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा उसे उतना बंद करना ही होगा। जो भी शौक हुआ है युद्ध में आपके सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं हो रहा, अपितु आपकी निर्बलता का प्रदर्शन हो रहा। यदि आप वास्तव में समर्थ होते तो अपने पौत्र और प्रपोत्रों के प्राण लेने के स्थान पर अपने प्राणों का त्याग कर देते। अपने धर्म से बंधा हूँ, धर्म तो मुक्ति देता है। आपके धर्म है जो आपको बांध रहा है, अवश्य ये कोई धर्म कोई बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई बेड़ी है। कृष्णा जी ने ठीक सुने यार, तेरे धर्म पर प्रश्न मत कीजिए वासुदेव। मेरे जीवन में सुनाया गया आप आपको, उम्मीद तो है अपने पिता को दिए हुए वचन का निर्वाह करते हुए वही सब क्या जो आवश्यक था। आप अपने व्यक्तिगत धर्म के लिए समग्र संसार को संकट में डाल रहे, इसे मैं चारित्र की शक्ति नहीं कहता। चारित्र तो वो होता है जो प्रति क्षण दूसरों के कल्याण का विचार करता है। आपका चारित्र भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। आप मर्यादा भंग कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु किसी दूसरे के धर्म को मिथ्या कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। मेरा धर्म सत्य है और इसीलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई नहीं, मैं आपको पराजित कर सकता हूं। इसी क्षण आपको पराजित कर सकता हूं। कोई धर्म नहीं लोभनी में तब तक बिगड़ना जाए, और ऐसा कोई प्रण कोई श्राप कोई आशीर्वाद नहीं जिसे मैं बिता ना कर सकूं। नहीं कर आप दृष्टि के सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। करेंगे भाई, ठहरे ना भाई, आप देखते हैं थोड़ी सी आवाज भाई ऊंची रहने दे, हमें देखने दे आगे को आपकी रात क्या करते हैं। देख नहीं अब नीचे उतरना ही पड़ा। धर्मस्य नारी भारत।
चलनी देखा धर्मस्य भीष्मा जी को भाई तदात्मानं रुक जाना श्री जाम मारते नहीं आपका वध कर रहे हैं तो मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। ओ, ना ना इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूँ। चिंता हो रही है सिर्फ ट्रेलर दिखाया है भीष्मा जी को थोड़ी सी चीजें सा ना भीष्मा जी ना तेरा तीर आप तक क्यों नहीं मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ था। आप अवश्य मेरा वध कर सकते हैं, किंतु आप मेरा वध करने हेतु अपने प्राण को त्यागने के लिए सज्ज हुए हैं। अवश्य ही मेरा कोई महान दोष होगा।
क्या दोष है मेरा वासुदेव? हाँ जी, बताइए। अज्ञान आपका दोष है महामहिम। आपने धर्म के वास्तविक रूप को जानने का तो कभी प्रयास ही नहीं किया। सुने आप अभी? करुणा के छत्र तले जब तक समग्र संसार समा नहीं जाता, तब तक समाज में धर्म अधूरा रहता। किंतु आपने केवल अपने परिवार का विचार किया। बस परिवार की विचार किया भाई। भाई बोला था कृष्णा जी को, बस मैं जब वो पिछले पार्ट में लास्ट पर मैंने आंखें देखी है ना भाई कृष्णा जी की, तब से भाई मुझे खुद और भाई मेरे भीष्मा जी, भीष्मा जी रुकना भी नहीं, भीष्मा जी एक रूप से भाई जहाँ मतलब के वाकफ नहीं थे, वाकफ नहीं, लेकिन जब भाई देखा है ना भीष्मा जी ने भाई देर ही नहीं लगाई। भाई देखे भाई, भाई मुझे वो डर था कि जाओ ये चक्कर मतलब के चल गाना भाई चक्कर, मुझे वो शाशुपाल की याद आ गई थी कि आज भीष्मा जी के साथ वो ना हो जाए, बहुत भाई भय था दिल में, बचत हुई है, बहुत बचत हो गई, इसलिए बचत हुई है शायद अर्जुन के घर के, जो पीछे से बोला है ना अर्जुन अगर नाना बोलता ना कुछ भी हो जाना, लेकिन जब अर्जुन भाई बोला साथ ही हर चीज ही वहीं रुक गई है। भीष्मा मेरे आप तीर देखे, तीर ही रुक गए थे, तीर वहीं ऐसे ऐसे गिर गए थे, भीष्मा जी भी सब चीजें जानते थे कि तीरों में इतनी पावर, ये क्यों रुके, इनका रीजन क्या है, ये आगे बढ़े क्यों है, क्यों नहीं यार। कृष्णा जी जब बोले हैं ना भाई जमीन हिल गई थी एक दफा, तो की बात छोड़े जा, उन्होंने की कोशिश की, उन्होंने बोलने की कोशिश की है, हाँ भीष्मा जी ने, लेकिन भीष्मा जी ने, भीष्मा जी मतलब कि इजी बात कर रहे थे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे धर्म के बारे में, मैं मतलब कि ऐसे ही समझ रहे, लेकिन आप मुझे 100% यकीन है कि आप जो है ना वो सारी क्लैरिटी होगी भीष्मा जी को, वो सब कुछ सुनाएंगे और उसमें द्रौपदी जी का भी जिक्र आएगा, सब कुछ, सब कुछ वो जो आगे भाई देख रहे हैं ना हम, वो तो ठीक बात है, लेकिन ये भाई देखें एक बार हर चीज ऐसे जब वो घूम है ना चक्कर व्यू भाई, वो आज सारी पुरानी बातें भाई आज जो है ना वो चक्कर व्यू बन गया है। हाँ, और ऐसे जब घूम है देखो ना, भीष्मा जी के पीछे ने देखा कि अर्जुन जब एक रियल फेस देखा था तो एक जमीन ऐसे घूम गई थी भाई, भाई सारी जमीन उन्होंने ऐसे उठा ली थी आसमान पर, और सारे हर चीज घूम रही थी, हर चीज चार ज्ञान उन्होंने दिए इस तरह हर चीज रोक के, वो तो हम खैर जानते हैं, लेकिन भीष्मा जी को भाई आज उन्होंने सरप्राइज साथ ही वो इधर हो गए कि भाई, लेकिन आप यहाँ पे देखो वो उधर देख रहे हैं, कौन देख रहा है, संजय दिखा रहा है सब कुछ। हाँ अब देखते हैं भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड बाय, टेक।